अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोजीनास रेसिपी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी क्रीमी लेमन चिकन की रेसिपी। ये बहुत ही इजी और सिंपल सा एक रेसिपी है। लंच में या डिनर में कभी भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। चले इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने इधर 2 पीस चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी इसको पेपर टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। ड्राई हो गया है, अभी इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट ऐसे स्प्रिंकल करते हैं। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। दोनों साइड से अच्छे से सॉल्ट ऐड करते हैं। फिर ऐड करते हैं ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर भी दोनों साइड से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी एक पैन लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं बटर। बटर 2 टेबलस्पून के जैसे ऐड कीजिए। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। अभी इसमें ऐड करते हैं चिकन ब्रेस्ट। अभी इसको 5 मिनट्स के लिए कुक करते हैं। अभी कवर नहीं करने का, पहले एक साइड से अच्छे से कुक होने के लिए देते हैं, उसके बाद इसको टर्न करके फिर कवर करके कुक करेंगे। 5 मिनट्स हो गया है, एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है। अभी इसको टर्न कर दिया है और फिर इसको कवर करके मीडियम हीट में 5 से 6 मिनट्स के लिए कुक करते हैं। 5 मिनट्स हो गया है, अभी इसको और एक दफ़ा टर्न करते हैं। अभी दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है। अभी इसको कवर करके और 5 मिनट्स के लिए मीडियम हीट में कुक करते हैं ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। 5 मिनट्स हो गया है, अभी इसको निकाल के एक प्लेट में रखते हैं। अभी इसी फ्राई पैन में ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक। गार्लिक इधर चॉप्ड या क्रश्ड ही लेना है, गार्लिक पेस्ट सही नहीं रहता है इसके लिए। इसको 1-2 मिनट के लिए सॉटे करते हैं और फिर ऐड करते हैं 1 कप वाटर। अभी इसमें ऐड करते हैं नॉर का जो चिकन स्टॉक मिलता है उसका 1 क्यूब। इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये जब बिल्कुल अच्छे से घुल जाए तो उस टाइम पे ऐड करते हैं 1 कप हेवी क्रीम। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास चिकन स्टॉक या चिकन पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अभी इसमें ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस एंड 1/2 कप चॉप पार्सली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं फ्राई किया हुआ चिकन। इसको पहले 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करते हैं। और फिर इसको टर्न करते हैं। 1-2 मिनट बाद इसको टर्न कर देते हैं। और फिर इसको कवर करके कुक करते हैं 5 से 6 मिनट्स के लिए मीडियम हीट में ताकि इसका ग्रेवी भी थोड़ा थिक हो जाए। 5 मिनट्स हो गया है, अभी इसको चेक करते हैं। हाँ, इसका ग्रेवी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। आपको अगर लगे कि और थोड़ा सा थिक करना है तो आप थोड़े देर और इसको कुक कर सकते हैं। चले अभी इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाता है। क्विक लंच या डिनर बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगा।
अभी इसको फाइनली चॉप्ड पार्सली से गार्निश करते हैं। तो लीजिए, क्रीमी लेमन चिकन तैयार है। चले अभी इसको एंजॉय करते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपका क्रीमी लेमन चिकन कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।